सागर जिले के गढ़ाकोटा तहसील की कृषि उपज मंडी के हम्माल व पल्लेदारों ने अचानक हड़ताल से तुलाई होने पर किसानों ने गढ़ाकोटा रहली मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। किसानों की मांग थी कि हम्माल व पल्लेदार जब हड़ताल पर थे तो कृषि उपज मंडी ने मंडी के बाहर किसी भी प्रकार की सूचना क्यों नहीं लिखी। वहीं उनका कहना है कि मंडी प्रांगण में ट्रैक्टरों को आने से मना क्यों नहीं किया। जब किसान अपनी फसल कृषि उपज मंडी में ले आए तब तुलाई की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इसको लेकर किसानों का गुस्सा सड़क पर दिखा और किसानों ने कृषि उपज मंडी के मुख्य गेट के सामने गढ़ाकोटा रहली रोड पर चक्का जाम शुरू कर दिया। यह चक्का जाम करीब 2 से 3 घंटे तक चला। मौके पर SDM रहली गढ़ाकोट तहसीलदार थाना पुलिस ने किसानों को समझाइश दी, साथ ही हड़ताली हम्मालों व पल्लेदारों से भी बात की, लेकिन पल्लेदार वापस नहीं आए। वहीं सुबह से आए किसानों ने अपने माल को देर शाम भूखे प्यासे वापस ले जाने के हालात में विवश होना पड़ा। इस मामले में गल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष कमलेश जैन ने बताया कि हम्मालों की मजदूरी बढ़ाने को लेकर हड़ताल की गई थी, जिससे किसानों की नीलामी नहीं हो पाई। पल्लेदारों की मांग भी पूरी हो गई लेकिन वो नहीं आए, जिसको लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। SDM मैडम आई थी तो चक्का जाम खत्म हो गया था। हम लोग तो किसानों का माल लेने ही खड़े हैं, पर पल्लेदार नहीं आएंगे तो तुलाई कैसे होगी। इनका कहना है कि किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया था चूंकि हम्मालों ने किसानों का माल पहले उतार लिया था और बाद में काम करने से मना कर दिया था और हड़ताल पर चले गए थे, जिसको लेकर किसानों को नाराजगी थी। प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया और मेरे द्वारा भी प्रयास किया गया है, लेकिन हम्माल अभी आए नहीं हैं। मंडी में डाक की व्यवस्था चालू है। हम्मालों द्वारा मजदूरी बढ़ाने को लेकर हड़ताल की गई है। जिले की अन्य मंडियों में मजदूरी लिस्ट मंगाई गई है। जो मजदूरी सही होगी उस पर मंडी समिति निर्णय करेगी। हमारी ये मांग है कि हमारे लिए हड़ताल का कोई पता नहीं था और गेट खुला रहा, हम लोग किसान जाकर वहाँ अपना माल नीचे कुरेल लिया, माने ले लिया है और उसके बाद में डाक खोली रही है और बोल रहा है कि ये पल्लेदार हड़ताल पर है और इसकी सूचना तो देने थी कि हड़ताल है कि क्या है। हम लोग किसान के लिए पता नहीं है, माल नीचे खाली कर दिया है और जो माल लिए थे किराए के वो वापस कर दिए। हमारी मांग सबसे पहले तो किसान परेशान है, उनका माल ही नहीं चल रहा, उसके बाद तो सारी समस्याएं। 2% मुद्दत काट रहे हैं, बाउंस चेक दे रहे हैं व्यापारी, पैसे भी नहीं कैश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।